हाल ही में अदा शर्मा ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का अपार्टमेंट खरीदने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं करोड़ों लोगों के दिल में रहती हूँ, मैं इसको लेकर बात करूंगी लेकिन अभी नहीं, सही मौका आने पर। मैं एक प्राइवेट पर्सन हूँ और फिल्मों के अलावा अपनी बाकी चीजों को प्राइवेट रखना ही पसंद करती हूँ। जैकी श्रॉफ का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने ही अंदाज में फैंस के साथ सेल्फी लेते और मस्ती करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच वो एक फैन के सिर पर थप्पड़ मार देते हैं और वो भी मजाक मस्ती में। जग्गू दादा का ये अंदाज देख लोगों की हंसी छूट रही है। 8 महीने का हुआ इलियाना डिक्रूज का बेटा, ऐसे में इस खुशी को उन्होंने इंस्टा पर शेयर किया है और अपने नन्हे बेटे की झलक भी दिखाई है। बेटे के जल्दी जल्दी बड़ा होने पर हैरान नजर आई। इस साल मेट गाला में दीपिका पादुकोण का जलवा देखने नहीं मिलेगा क्योंकि खबर है कि दीपिका इस साल इस ग्रैंड इवेंट में शामिल नहीं होने वाली है। इसकी वजह उनकी प्रेगनेंसी नहीं बल्कि बिजी शेड्यूल बताया जा रहा है। हालांकि दीपिका या उनकी टीम से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। सुष्मिता सेन ने अपनी शादी पर बात की है। रिपोर्टेडली एक इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल शादी करूंगी, ये कभी भी कभी नहीं वाली स्थिति नहीं थी। अगर सामने वाला सही है और मेरे सभी मानकों पर खरा उतरता है तो जरूर मैं शादी के बंधन में बंध जाऊंगी। फाइनली अथिया शेट्टी ने अपने प्रेगनेंसी रूमर्स पर बात की है। दरअसल हाल ही में वो अपने भाई अहान के साथ एक इवेंट में नजर आई। इस दौरान दोनों ने खूब मस्ती भी की। ऐसे में उनकी स्टाइल और बिहेवियर को देखकर ये क्लियर हो गया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। विद्या बालन की अपकमिंग फिल्म 2 और 2 प्यार का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसमें 2 मैरिड कपल की कहानी बताई गई है जिनकी शादी में स्पार्क नहीं बचा है। ओवरऑल ट्रेलर काफी मजेदार है। ये फिल्म 19 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। जया बच्चन ने अपनी ग्रैंड डॉटर नव्या को बेस्ट फ्रेंड से शादी करने की दी सलाह, वो भी उनके पॉडकास्ट व्हाट द हेल नव्या सीजन 2 में। दरअसल नव्या ने पूछा, क्या आपको लगता है कि अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी करना हमेशा काम आता है? लेजेंड एक्ट्रेस जया ने जवाब दिया, रोमांस आउट ऑफ द बॉक्स है, शादी के बाद ये खत्म हो जाएगा। नव्या ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, क्या होगा अगर 2 लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोमांटिक भी होंगे। टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में रवीना टंडन ने बेटी के साथ मचाया धमाल जिसकी कुछ फोटोज अब वायरल हो रही है। सिंगापुर में हुए इस कॉन्सर्ट में माँ बेटी ने खूब एंजॉय किया और जम कर ठुमके भी लगाए। रणवीर सिंह ने अपने एक करीबी दोस्त के बर्थडे बैश में अपनी फिल्म गली बॉय का पॉपुलर गाना अपना टाइम आएगा गाया और पार्टी की रौनक बढ़ा दी। उनका लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है और हमेशा की तरह उनकी एनर्जी देख वहाँ मौजूद सब हैरान रह गए।